आवाज की दुनिया के दोस्तों, चिंता करने और शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। कुछ करने की कोशिश करना और असफल होना बेहतर है इसके बजाय कि कुछ किया ही न जाए। लोग हार जाते हैं, ख़त्म नहीं हो जाते हैं। ख़त्म तब होता है जब वे कुछ करते ही नहीं हैं। अगर किसी चीज़ में भरोसा है तो उसे करते जाना ही आगे बढ़ने का उपाय है। संघर्ष का हर पल आगे बढ़ाता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना और किसी चीज़ का इंतज़ार करना धैर्य नहीं होता। धैर्य का महत्व है। जब किसी दिशा में भी कहीं मेहनत कर रहे हो तो तमाम मेहनत और असफलताओं के बावजूद उम्मीद में छोड़ना, काम करते रहना, बार बार करना, फिर से काम करना, करने में कोई शर्म या कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। फिर कोशिश की जाए जीवन के सबसे अच्छे, सबसे बुरे समय में और सबसे बड़ी गलतियों से ही सीखने को मिलते हैं। खुद से सच बोलिए, खुश होकर काम कीजिए। अगर किसी उपलब्धि से थोड़ा दूर भी जाएंगे तो प्रयास करते रहिए। विचार को अमल में लाए, सफलता रातों रात नहीं मिलती है। विचार पर अमल करने और साकार करने में वक्त लगता है। धैर्य को बहुत ज़रूरत होती है। धैर्य नहीं है तो अमल के पहले ही विचार छोड़ने का खतरा रहता है। परिपत्र क्रमांक BIU BSNL, राजस्थान परिवार, जयपुर दिनांक, भारतीय दूरसंचार कर्मचारी यूनियन BSNL, राजस्थान परिमंडल, राजस्थान प्रदेश परिमंडल, अधिवेशन दिनांक 16 अप्रैल 10 बजे से एक दिन के लिए भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्यालय पटेल कॉलोनी में रखी गई है। अतः समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों से निवेदन है कि वे समय पर उपस्थित होने का श्रम करें। बैठक की अध्यक्षता श्री रूपाराम शर्मा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। विशिष्ट अतिथि श्री RC पांडे, अखिल भारतीय महामंत्री, भारतीय दूरसंचार कर्मचारी यूनियन BSNL लखनऊ होंगे। बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। कॉमरेड रमेश कोतला, वाइस प्रेसिडेंट, परिमंडल सचिव की रिपोर्ट, एवे का लेखा जोखा, जिला सचिवों की रिपोर्ट, चुनाव में केसों के विषय में चर्चा, अन्य बिंदु आसन की अनुमति से। अतः समस्त पदाधिकारियों सदस्यों से निवेदन है कि वे बैठक में समय पर उपस्थित हों। प्रिय बंधुओं एवं बहनों, सादर नमस्कार। राजस्थान के गुलाबी शहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सह परिवार से खुश से होंगे एवं संगठन के कार्यों में लगे होंगे। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सह परिवार से कुशल से होंगे एवं संगठन के कार्यों में लगे होंगे। बंधुओं, मुख्यालय में जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं सर्किल उनका पालन करता है तथा ऑल इंडिया CWC की सभी बैठकों में भाग लेकर आने के पश्चात उसमें हुई कार्यवाही से सभी को अवगत कराता है एवं मार्ग 2015 में तथा इंडिया सब्री का आयोजन राजस्थान शहर के करवाया था। मित्रों, वर्तमान समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मान्यता का महासंग्राम का समय आ गया, जिससे कि प्रक्रिया दिनों की 11 दिन 2016 प्रारंभ हुई है। इस बार अगर संगठन मानने में आया तो ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए योजना और मरण का प्रश्न होगा। इसी चुनौती के साथ हम सभी को अभी नहीं करना चाहिए। आज का मूल चिंतन इसी विषय पर केंद्रित होगा। इस कालखंड में हमने भारत माता के महान सपूत जैसे राम जोशी जी, हम तमिलनाडु आई भी प्रकृति आपदा के कारण ज्ञात अज्ञात महान भावों के सिद्धांत अर्पित करते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। भाइयों ए बहनों, नई दिल्ली द्वारा नियमित मासिक एजेंडा बैठक अपने संगठन को मिली रखी है। तमाम कर्मचारियों के जीवन की समस्याओं पर भी आज चर्चा आवश्यकता है, जिसको लेकर संगठनात्मक कार्यक्रम की आवश्यकता है। इस विषय पर भी निर्णय लेना है। मैं आपके सभी जिला सचिवों तथा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ जो समय समय पर संगठन का इस काम भाव से सहयोग करते हैं। विशेष हमें हम अपने संगठन में महासचिव श्रीमान RC पांडे, महामंत्री श्री SBS सुब्रमण्यम का आभारी हूँ, जिन्होंने हम लोगों पर नित्य मार्गदर्शन किया है। यदि जाने अनजाने मेरे किसी के साथ द्वारा किसी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मान को ठेस पहुँची होती, मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर दें तथा उस त्रुटि के बारे में अवश्य बता देना, ताकि भविष्य में मैं अपने आचरण में सुधार ला सकूँ। आपका सादर प्रणाम, रमेश कोतला, वाइस प्रेसिडेंट, अपनी भारतीय मजदूर संघ 28 BSNL।